सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश की शिक्षण योजना लेकर आया हूं, जिसका प्रकरण है कैसे बने घर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इस बार हम सभी शिक्षकों को पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना के अनुसार बच्चों को पढ़ाना होगा। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बनी रहने दें। साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि ये शिक्षण योजना मुझे श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी ने बनाकर दी है, जो जिला सहारनपुर में शिक्षिका हैं। उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षण योजना बनाकर दी है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये शिक्षण योजना बनाकर दी और मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए मुझे दी है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका प्रकरण है कैसे बने घर। सबसे पहले लर्निंग आउटकम, घर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बना लेते हैं, कचरे को कूड़ादान में डालते हैं, दी गई कचरे की सारणी में से उन्हें न सड़ने वाले कचरे और सड़ने वाले कचरे में विभक्त कर लेते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, बच्चों के स्वयं के घर, आसपास के घर, विद्यालय भवन तथा इग्लू, झोपड़ी आदि के मॉडल। सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाएं, गतिविधियां, 4 कॉलम बनाए जाते हैं इसमें। पहला क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में समय 5 मिनट और आकलन का तरीका होगा अवलोकन। शिक्षिका छात्रों से उनके घर के विषय में चर्चा करेंगी तथा आसपास कैसे घर दिखाई देते हैं इसके विषय में चर्चा करेंगी। शिक्षण के दौरान समय 25 मिनट, आकलन का तरीका अवलोकन तथा चर्चा। शिक्षिका छात्रों से घर के विभिन्न प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगी तथा घर के विभिन्न भागों, रसोई, आंगन, बरामदा आदि के विषय में चर्चा करेंगी। घर बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगी। शिक्षण के बाद शिक्षिका छात्रों को घर के विभिन्न मॉडल दिखाएंगी तथा उनके विषय में चर्चा करेंगी। इसका समय होगा 10 मिनट। फिर एक गतिविधि है, शिक्षिका छात्रों को घेरे में बैठाकर घर संबंधित लघु कविता का सस्वर वाचन करेंगी। प्यारा घर, वो स्थान जहाँ हम रहते कहलाता है प्यारा घर, यही जगह है मेरे प्यारों जहाँ न लगता हमको डर। जब घर न था तब की बात बताएं, घने पेड़ों पर लोग बस जाएं, फिर बने मिट्टी के घर, सिंधु सभ्यता ने बदला इनको, झोपड़ी से बने फिर आलिशान भवन, मेरा प्यारा प्यारा घर, सारे जग से न्यारा घर। इसके बाद श्याम पटकार्य, इस तरह लिख देंगे दिनांक, कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश, प्रकरण कैसे बने घर, और जो वादन है वो लिख देंगे, पहला है या दूसरा जो भी है वो यहाँ पर लिख देंगे। आवास घर का प्रकार, यानी कि आवास का प्रकार, फिर प्रयुक्त सामग्री, इस तरह से वृक्ष, मिट्टी का घर, झोपड़ी, इग्लू, मकान, ये बच्चों को इस तरह से लिख कर देंगे हम। फिर गृह कार्य हो जाएगा, समय 5 मिनट, सभी छात्र घरों के बदलते स्वरूप को विषय में लिखकर लाएंगे तथा उनके घर का प्रकार व प्रयुक्त सामग्री की सूची बनाएंगे। शिक्षिका की आगामी कार्य योजना, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी शिक्षण योजना बनाएंगी। शाम पटकार्य, ये सब हो गया है। तो मित्रों, ये था इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बनी रहने दें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें
तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। धन्यवाद।